नरेंद्र मोदी हरियाणा छोड़कर क्यों भागे, अमित शाह हरियाणा छोड़कर क्यों भागे, ये सवाल बड़ा जरूरी है क्योंकि पिछले 10 साल से इन्हीं नेताओं को लेकर गोदी मीडिया चापलूसी की सारी हदें पार कर चुका है। कभी इन्हें ही कहा जाता था कि ये लोग 24 घंटे चुनावी राजनीति करते हैं, ये आखिरी मिनट तक जोर लगाते रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो फिर हरियाणा में क्या हो गया? अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रचार खत्म होने से पहले ही हार क्यों मान गए? हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है और 3 अक्टूबर को प्रचार का आखिरी दिन था, लेकिन विश्वगुरु 2 तारीख को हरियाणा से फरार हो लिए और उनके पीछे नकली चाणक्य भी हरियाणा छोड़कर निकल भागे। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है और आंधी में तो बड़े बड़े उड़ जाते हैं, फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बिसाथी क्या? हिंदुस्तान की जनता ने 2024 के चुनाव में ही नरेंद्र मोदी की 56 इंची छाती की हवा निकाल दी थी। हरियाणा का विधानसभा चुनाव तो फ्यूचर का ट्रेलर है। हरियाणा में मोदी शाह को हार साफ दिखाई दे रही है, एकदम आईने की तरह। सत्ता विरोधी लहर इतनी ज्यादा है कि केंचुआ से भी कोई उम्मीद नहीं है। केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग तो भागना ही था। 2 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी हरियाणा छोड़कर झारखंड भाग गए और अमित शाह महाराष्ट्र निकल लिए। अब सवाल यह है कि भाजपाई महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों पसीना बहा रहे हैं, जबकि हरियाणा में चुनाव प्रचार अभी खत्म ही नहीं हुआ था। हरियाणा की स्थिति को देखें तो लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी के आगे सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी प्रचार के अंतिम दिन तक हरियाणा में जमे रहे और पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया। अंबाला और लाडवा जैसी सीटों पर राहुल गांधी ने एक तरफा माहौल बना दिया है और 3 तारीख को प्रचार खत्म करने के बाद राहुल गांधी 4 तारीख को महाराष्ट्र में मोर्चा खोलने जा रहे हैं और ये बताता है कि कांग्रेस और उसकी लीडरशिप किसी भी चुनाव को हल्के में अब लेने वाली नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी को अब हार के डर से मुंह छुपाना पड़ रहा है। कभी वे महाराष्ट्र भाग रहे हैं तो कभी झारखंड। 2014 के बाद एक दौर था जब नरेंद्र मोदी एक एक विधानसभा चुनाव में 15-20 रैलियां किया करते थे। बीजेपी में उनकी तानाशाही ही इसलिए बढ़ी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, वे जीत की गारंटी देते हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बनारस में 3 दिन तक डेरा डाला, नतीजा यह हुआ कि माहौल एकदम बदल गया और समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मगर आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की हार एकदम साफ दिख रही है, तो उन राज्यों में वोट मांगने जा रहे हैं जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में जीतना बीजेपी के लिए आसान एकदम नहीं है, करारा जवाब मिलेगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी को बढ़त है और झारखंड में कल्पना सोरेन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कल्पना सोरेन झारखंड के हर हिस्से में जाकर रैलियां कर रही हैं और उनकी रैली में महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हो रही हैं। अगर नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को देखें तो वे हजारीबाग से पहले जमशेदपुर गए थे। ये दोनों इलाके बीजेपी के गढ़ हैं। बीजेपी की स्ट्रेटजी एकदम क्लियर है कि पहले अपने इलाकों को साध लो, फिर दूसरे हिस्सों पर धावा बोलो। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, इसलिए दोनों नेता उन राज्यों में प्रचार कर रहे हैं जहां सीएम चेहरा उनकी पार्टी का नहीं है। झारखंड में जेएमएम के हेमंत सोरेन हैं तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हैं, इसलिए बीजेपी को महाराष्ट्र में लगता है कि वो अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकती है। 2 अक्टूबर को अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे तो वहां जाकर कार्यकर्ताओं से कह दिया कि अकेला चलो। 2029 में बीजेपी की अकेले दम पर सरकार बनेगी। अमित शाह के इस बयान के बाद बीजेपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के गठबंधन में बवाल मच गया है। अजीत पवार की तो सांसें अटक गई हैं और एकनाथ शिंदे को सफाई देना पड़ रहा है। शाह के बयान पर अजीत पवार ने कहा कि हर कोई कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करता ही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो पहले जवाब देने से बचते रहे, बाद में बोले कि पहले 2024 2029 की बात तो बाद में आएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि अमित शाह 2024 के बजाय 2029 की बात क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी का शिंदे और अजीत पवार से मोह भंग हो गया है? क्या पार्टी विधानसभा चुनाव 2024 में भी अकेले दम पर सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगी? शिंदे 2024 की बात कर रहे हैं और अमित शाह 2029 की बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इस उठापटक से ही पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत कैसी है। नकली चाणक्य के लोग हरियाणा और जम्मू कश्मीर छोड़कर महाराष्ट्र और झारखंड पर फोकस किए हैं, तो उसकी कुछ वजह तो जरूर है। अमित शाह इससे पहले भी महाराष्ट्र गए थे और कार्यकर्ताओं से कहा था कि हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाओ, चाहे साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करो, लेकिन हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाओ। हालांकि
खुलकर ये नहीं कहा गया कि ईवीएम हैक कर लो, चाहे बूथ कैप्चरिंग कर लो, लोगों को वोट डालने से रोक दो, मारो पीटो दंगा करो। हो सकता है साम दाम दंड भेद में ये सब आ जाता हो, सब अंतर्निहित हो। अमित शाह का बयान सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे नकली चाणक्य को चुनाव आयोग से वफा की उम्मीद नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र बीजेपी में मुर्दनी छाई हुई है, इसलिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। शाह ने तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में साफ कह दिया कि लोकसभा चुनाव का परिणाम भूल जाइए और विधानसभा चुनाव के लिए मेहनत करिए। अमित शाह ने यह भी कहा कि अजीत पवार बीजेपी के साथ गठबंधन का हिस्सा है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता समझ लें, और अजीत पवार की पार्टी के कैंडिडेट के लिए भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को वोट मांगना होगा, है ना मजे की बात। आरएसएस अजीत पवार का विरोध कर रहा है और अमित शाह अजीत पवार को साथ रखना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने तो साफ कर दिया है कि अजीत पवार की पार्टी का वोट लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं मिला, इसलिए पार्टी की नई सीटों पर नजदीकी हार हुई। लेकिन अमित शाह की हिदायत के बाद फडणवीस हो या कोई भी, हकीकत को पहचाना पड़ेगा। इससे पहले कि हम महाराष्ट्र चुनाव का हर चैप्टर खोलें और विस्तार से बात करें अगले 2-3 महीनों में महाराष्ट्र के चुनाव में क्या होने वाला है और महाराष्ट्र की राजनीति का दिल्ली की कुर्सी पर क्या असर होने वाला है, आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि पहली बार हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। इसके अलावा हर एक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बहुत जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में अडानी का बहुत कुछ दांव पर लगा है। धारावी को अंबानी ने मांग लिया है, लोग तो यहां तक कहते हैं कि हड़प लिया है। शिंदे सरकार ने अडानी के सामने सरेंडर कर दिया है और उद्धव ठाकरे ने धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है कि जैसे ही सत्ता में आएंगे धारावी प्रोजेक्ट को कैंसिल करेंगे। अडानी मुंबई में रियल एस्टेट का किंग बनना चाहते हैं और इसके लिए धारावी चाहिए, और धारावी सिर्फ अमित शाह ही दे सकते हैं जो अडानी के पेरोल पर काम कर रहे हैं, ऐसे आरोप है। अडानी के ख्वाब के लिए बीजेपी नेताओं को महाराष्ट्र में बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है। बीजेपी की महाराष्ट्र में हालत बद से बदतर है। आरक्षण के लिए मराठा आंदोलन जारी है। मनोज जरांगे पाटिल ने अमित शाह को चैलेंज कर दिया है कि मराठों के आंदोलन को जाटों और गुर्जरों के आंदोलन की तरह कुचल नहीं पाओगे, जैसे आपने गुजरात में पाटीदार आंदोलन के साथ किया था। जरांगे पाटिल अभी आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र को हिलाए हुए हैं और यही बात बीजेपी को खटक रही है। विदर्भ में भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था, सिर्फ नितिन गडकरी ही अपनी सीट निकाल पाए थे। कांग्रेस और शरद पवार की नजर भी पश्चिमी महाराष्ट्र पर है और इसलिए राहुल गांधी हरियाणा से फ्री होकर सीधे महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। 4 अक्टूबर को राहुल गांधी कोल्हापुर में होंगे, इससे पहले 5 सितंबर को उन्होंने सांगली में रैली को संबोधित किया था। कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर बातचीत चल रही है और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि दशहरा से पहले सीटों का बंटवारा हो जाएगा। मजेदार बात यह है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियां भी कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन का हिस्सा होंगे, ऐसे में बीजेपी की हालत और खराब है। पार्टी ने महाराष्ट्र की सीटों को 4 हिस्सों में बांटा है, ABCD। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र जिताने का जो प्लान दिया है उसके मुताबिक जिस सीट पर आगे हैं वहां पर कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर साम दाम दंड भेद करके 10% वोट बढ़ाना है। जिन सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर है वहां पर कार्यकर्ताओं को 20% वोट बढ़ाने का टारगेट दिया गया है। बीजेपी ने डी कैटेगरी भी बनाई है, ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी का जीतना असंभव है, वहां के लिए पार्टी का प्लान है कि वोटिंग परसेंटेज को कम रखा जाए। ये सारी बातें अमित शाह ने पार्टी मीटिंग में कार्यकर्ताओं को बताई है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि आखिर वोटिंग लिस्ट से नाम गायब क्यों हो जाते हैं। अरे भाई, वोटिंग परसेंटेज ही तो गिराना है। बीजेपी ने डी कैटेगरी उन सीटों को दी है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है और यहां पर पार्टी की कोशिश है कि वोटिंग को कम किया जाए। अमित शाह ने मराठी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है कि वोटिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों में ज्यादा से ज्यादा मतदान करा लें। अमित शाह का फार्मूला है कि जिन बूथों पर मतदान के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई थी वहां पर वोटिंग ज्यादा हुई और वोट बढ़ाने का यह तरीका बेस्ट है। अमित शाह ने एक और मंत्र दिया और कहा कि विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को ज्यादा से ज्यादा बीजेपी में शामिल कराओ, भूल जाओ कि उनसे कोई मतभेद था, पार्टी का फोकस सिर्फ चुनाव जीतना होना चाहिए। अमित शाह जिस तरह से महाराष्ट्र में सक्रिय हैं, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जिम्मेदारी उन्हें ही दे दी गई है। लेकिन महाराष्ट्र के मूल मुद्दों को इग्नोर करके बीजेपी चुनाव कैसे जीत सकती है? लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को देखें तो कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी 154 सीटों पर आगे है। बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार
मिलकर भी बहुमत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि दोनों गुजराती जोड़ी बहुत परेशान है। आखिर मामला मालिक का जो ठहरा। अगर अडानी के हाथ से मुंबई निकली तो फिर दिल्ली में मोदी की सत्ता को बचा पाना जरा मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी को सिर्फ कार्यकर्ताओं को ही मैनेज नहीं करना है, उसे शिंदे सेना और अजीत पवार को भी मैनेज करना है। अजीत पवार की कोशिश मुस्लिम वोट बैंक को साधने की है। पवार ने विधानसभा चुनाव में 10% सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयान से मुस्लिम नाराज हैं और अजीत पवार ने बीजेपी नेताओं से अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर किया है। अजीत पवार तो राहुल गांधी की जीभ काटने और जीभ दागने जैसे बयानों की भी खुलकर आलोचना कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी और शरद पवार ने अजीत पवार के साथ बीजेपी को ठिकाने लगाने का प्लान रच डाला है। 83 साल के बूढ़े शरद पवार पश्चिमी महाराष्ट्र की सीटों पर लगातार मीटिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी का फोकस भी पश्चिमी महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र का शुगर बेल्ट है जो मुंबई का किंग डिसाइड करता है। पश्चिमी महाराष्ट्र से 6 जिले हैं, पुणे, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा, सांगली और कोल्हापुर। इन 6 जिलों में विधानसभा की 70 सीटें हैं जो 288 सीटों वाली विधानसभा में निर्णायक हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी ने इस इलाके में शानदार प्रदर्शन किया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन को 39 सीटें मिली थी। एनसीपी ने यहां 27 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस को 12 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को शुगर बेल्ट में सिर्फ 20 सीटें मिल पाई थी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 5 सीटें मिली थी। 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। इस इलाके में शरद पवार की चुनौती ये है कि एनसीपी अब टूट गई है, अजीत पवार भी अब मैदान में है। अगर एनसीपी और कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करके शुगर बेल्ट में पिछला प्रदर्शन दोहरा दिया तो बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को मुश्किल हो जाएगी। लोकसभा चुनाव नतीजों को देखें तो बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन ने पुणे, सतारा और हटकनगेले लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने कोल्हापुर, सांगली, माघा, शिरडी, अहमदनगर, सिरूर और सोलापुर में जीत हासिल की थी। शरद पवार पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में पैर जमाकर बैठ गए हैं, वे लगातार दौरे कर रहे हैं। पवार इस बार पश्चिमी महाराष्ट्र में कई नए चेहरे चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। बीजेपी जानती है कि पवार को कम करके नहीं आंका जा सकता। उनकी उम्र भले ही ज्यादा हो गई हो, लेकिन मराठा छत्रप के पास अनुभव की जबरदस्त बढ़त है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में पवार ने बारिश में भीगते हुए भाषण दिया था और मराठा बेल्ट में नतीजे बदल गए थे, चाहे वो शरद पवार हों या राहुल गांधी, संजय राउत हों या प्रशांत किशोर। हर नेता ये दावा कर रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र चुनाव हारे तो दिल्ली की सत्ता बदल जाएगी। हालांकि बहुत सारे लोग बिहार चुनाव तक अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव गेम चेंजर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के मुकाबले बिहार में सियासी तपिश कम है। कांग्रेस और तेजस्वी यादव ने बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ स्मार्ट मीटर का दांव चल दिया है। आरक्षण और संविधान के बाद विपक्ष का यह तीसरा दांव है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टियां नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और आरजेडी ने तो यहां तक कह दिया है कि घरों में लगे स्मार्ट मीटर को उखाड़कर फेंक दीजिए। तेजस्वी ने इसे भ्रष्टाचार की जड़ करार दिया है। तेजस्वी के साथ जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भी स्मार्ट मीटर का विरोध किया है। जनता ने स्मार्ट मीटर को लेकर नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगवाने के बाद बिल बहुत ज्यादा आने लगा है। मीटर में नेगेटिव बैलेंस होने पर लाइट तुरंत कट जाती है और बिल पेमेंट करने के बाद भी बिजली सप्लाई चालू नहीं हो पाती है। बिहार के कोने कोने में स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है। गांव में बिजली कर्मचारियों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। आरजेडी ने अब इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है, लेकिन नीतीश कुमार आरोपों को खारिज करते हैं। बिहार में स्मार्ट मीटर पर सियासत गरमाई हुई है। देखना होगा कि झारखंड चुनाव को लेकर उलझे नीतीश कुमार बिहार के मुद्दों को कब तक 15 दिन का ग्रेस पीरियड देते रहेंगे। माना जा रहा है कि नवंबर में झारखंड के साथ बिहार में उपचुनाव हो सकते हैं और यही उपचुनाव तय करेंगे कि जनता में किस मुद्दे को लेकर नाराजगी है। उधर बिहार से सटे हुए बनारस के बीएचयू में यूनिवर्सिटी प्रशासन का तानाशाही रवैया जारी है। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप की घटना के बाद हुए प्रदर्शन के दौरान मारपीट करने वाले 12 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। 11 महीने बाद स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर बीएचयू प्रशासन ने यह कार्यवाही की है। 8 छात्रों को 1 महीने और 4 छात्रों को 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। दरअसल गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कैंपस में प्रदर्शन हुआ। इसी दौरान 2 छात्र संगठन आपस में भिड़ गए थे। यूनिवर्सिटी ने छात्रों को निलंबित करते हुए हॉस्टल, लाइब्रेरी और एचआरए की सुविधा से बेदखल कर दिया है। 11 महीने बाद लिए गए एक्शन से छात्रों में नाराजगी है। छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिलकर विरोध जताया है। छात्रों का कहना है कि बीएचयू ने उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने मौजूदा सरकार का विरोध किया था, जो कैंपस में हमेशा समाज और अन्य जरूरी सवालों पर मुखर रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते गैंगरेप के 2 आरोपी जेल से बाहर आ गए, यानी उनको जमानत मिल गई। जी हां, बीएचयू गैंगरेप के 2 आरोपी कुणाल और आनंद पिछले महीने जमानत पर बाहर आ गए थे, जबकि 3रा आरोपी सक्षम पटेल अभी भी जेल में बंद है। जेल से छूट कर आए कुणाल और आनंद का घर पर माला
पहनाकर स्वागत हुआ, ठीक वैसे ही जैसे बिल्किस बानो के केस में उनके बलात्कारियों और परिवार के हत्यारों को लड्डू खिलाया गया, माला पहनाया गया, आरती उतारी गई। ये भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन है। यहाँ बलात्कारियों और हत्यारों का स्वागत होता है, जबकि समाज के लिए लड़ने वालों और आवाज उठाने वालों को सजा दी जाती है। जैसे हिंदुस्तान का नाम रोशन करके आए हों, इस तरह से इनको सम्मान दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे माँ बाप को भी जिन्होंने रेपिस्टों का पालन पोषण किया और फिर उनका माल्यार्पण कर रहे हैं जेल से लौटने के बाद। गैंगरेप के तीनों आरोपी बीजेपी से जुड़े हैं, बीजेपी आईटी सेल के लिए काम करते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करते रहे। लगभग 55 दिन मध्य प्रदेश में छुपे रहे, पुलिस जांच करती रही, लेकिन पता नहीं चला। तीनों के वाराणसी आते ही पुलिस एक्टिव हुई और 60 दिन बाद बीजेपी के ये तीन रत्न पकड़े गए। कई सारी रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि बीएचयू गैंगरेप के आरोपियों का बीजेपी से जुड़ाव होने के चलते गिरफ्तारी में पुलिस को दिक्कत आई। अब यूपी सरकार ने क्लियरेंस दिया तो तीनों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के 10 दिन पहले ही इस मामले की जांच कर रहे एसीपी भेलूपुर प्रवीण सिंह का भी ट्रांसफर कर दिया गया था। अब आया समझ में आपको, ये बीजेपी है, यही असल चेहरा है। जहां पुलिस को रेपिस्टों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए शासन से मंजूरी लेनी पड़ती है और यही बीजेपी बंगाल में महिला सुरक्षा के नाम पर छाती पीटती हुई नजर आती है। ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है?